वकील भी हैं बिग बॉस 16 की तीसरी कंफर्म कंटेस्टेंट। बिग बॉस 16 की तीसरी कंफर्म कंटेस्टेंट निमरत कौर अहलूवालिया बताई जा रही है। टीवी की नंबर वन बहू निमरत कौर सामिना मिस इंडिया में भी हिस्सा ले चुकी हैं और एक्ट्रेस बनने से पहले एक वकील भी रह चुकी हैं। वेल, आपको बता दें कि बिग बॉस 16 के लिए तीसरी कंटेस्टेंट कंफर्म हो चुकी है और ये और कोई नहीं एक्ट्रेस निमरत कौर अहलूवालिया है। वहीं निमरत कौर जो टीवी शो छोटे सरदारनी में महर कौर ढिल्लन के किरदार से घर घर में फेमस हुई थी, भले ही मेकर्स ने निमरत के नाम पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन प्रोमो से साफ जाहिर हो रहा है कि ये निमरत कौर ही है। पिछले कुछ दिनों से बिग बॉस 16 के लिए निमरत का नाम चर्चा में था, मेकर्स के साथ एक्ट्रेस की बात भी चल रही थी। तो चलिए आप इसी के साथ आपको बता दें कि निमरत कौर एक्ट्रेस के अलावा एक वकील भी हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। 2018 में निमरत ने फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी में भी हिस्सा लिया था, जिसमें निमरत टॉप 12 में शामिल रही थी। निमरत कौर अहलूवालिया छोटी सरदारनी के अलावा नाटी पिंकी की लव स्टोरी में भी नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा वो कुछ और शोज में भी बतौर गेस्ट नजर आई थी। निमरत कौर कुछ म्यूजिक वीडियोस और खतरा 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 जैसे रियलिटी शो का हिस्सा रह चुकी हैं। निमरत कौर दिल्ली की रहने वाली हैं। उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई दिल्ली से की है, जबकि लॉ की डिग्री उन्होंने मोहाली से ली थी। निमरत पढ़ाई और मॉडलिंग के अलावा थिएटर से भी जुड़ी रही थी। निमरत का एक भाई भी है जो अमेरिका में पढ़ रहा है। निमरत कौर अहलूवालिया जब कॉलेज में पढ़ती थी तो उन्हें खूब फैट शेम किया जाता था, उनके बड़े वजन का खूब मजाक भी उड़ाया जाता था। इस बारे में निमरत ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि जब मैं 12वीं क्लास में थी तो मुझे हर समय खाने की आदत पड़ गई थी, पढ़ाई और बोर्ड एग्जाम की वजह से मुझ पर बहुत प्रेशर था, खा खा कर मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जब लॉ कॉलेज गई और फर्स्ट ईयर में थी तो मेरे बैच की और मेरे हॉस्टल की लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती थी। निमरत कौर हमेशा से ही मेंटल हेल्थ को लेकर मुखर रही हैं। साल 2021 में उन्होंने इसी वजह से टीवी शो से 40 दिन का ब्रेक लिया था। तब फैंस को भी चिंता सताने लगी थी कि आखिर निमरत को क्या हुआ, लेकिन जब बाद में निमरत ने इस चीज की वजह बताई तो फैंस ये सुनकर काफी खुश हुए कि उन्होंने अपनी हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी समझा। इसके बाद निमरत तब चर्चा में आई जब उन्होंने खुलासा किया कि वो फिल्म हौसला रख में शहनाज गिल की जगह अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। इस बारे में एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में बताया था, मुझे हौसला रख टीवी शो छोटे सरदारनी के दौरान ऑफर की गई थी। दिलजीत सर ने मुझे पहले अप्रोच किया था, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछा था कि क्या मैं रोल करने के लिए ऑडिशन दूंगी। मैंने उनका मैसेज देखा और रोने लगी। बाद में पता चला कि वो रोल शहनाज गिल कर रही हैं। ये पहली बार नहीं हुआ था कि निमरत कौर को फिल्म में से रिप्लेस किया गया था। ऐसा कई बार देखा जा चुका है कि निमरत कौर को कई फिल्मों से रिप्लेस किया गया था। अब देखना तो ये इंटरेस्टिंग होगा जब बिग बॉस में निमरत कौर की एंट्री होगी। वेल, आप निमरत कौर को बिग बॉस में देखने के लिए कितना ज्यादा इंटरेस्टेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी जल्दी से लाइक कर दें।